हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली ने 12 मई को एक एडवर्टाइजमेंट इशू किया है जिसमें उन्होंने सिलेक्शन पोस्ट एडवर्टाइज की हैं। फेस 10 है ये 2022 का, और इसमें डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं 12 मई से लेकर 13 जून तक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसमें लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट इज ऑल्सो 15th June, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान इज 16th June, और लास्ट डेट फॉर पेमेंट भी दी हुई है। एक और इन्होंने दिया है डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ये इन्होंने दी है 20 जून से लेकर 24 जून तक, लेकिन इसमें कुछ चार्जेस हैं वो आप देख लीजिएगा। और डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE के लिए उन्होंने अगस्त बताया है टेंटेटिवली। अब हम और डिटेल्स देखते हैं। इसमें बहुत सी पोस्ट एडवर्टाइज की हैं, कोई 2000 से ज़्यादा पोस्ट हैं, और कई तरह की पोस्ट हैं जिसमें अलग अलग क्वालिफिकेशंस चाहिए, बट जो सिर्फ स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट की हैं वो मैंने अलग की हैं, वो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। पॉइंट वन है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द सिलेक्शन पोस्ट इंडिकेटेड इन एनेक्स्चर 3 ऑफ दिस नोटिस। एनेक्स्चर 3 इन्होंने नोटिफिकेशन के बिल्कुल एंड में दिया है, उसमें उन्होंने पोस्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो दी हैं, और इसमें और इस पेज पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस of posts are given at annexure 3 of the notice of examination. Direct link for post details is available at candidate portal, which can be seen by login into SSC site. Candidates dashboard, latest notification, phase 10, 2022 selection post, post details link. ये सब आपको जो डिटेल हैं वो आपको मिलेंगी जब आप उसमें रजिस्टर करके जाएंगे, उस पर लॉग इन करेंगे। और इस पेज पर और कुछ नहीं है, बाकी जो कंडीशंस इन्होंने पॉइंट नंबर 3 पर लिखी हैं, ऑन सीकिंग फी कंसेशन एज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन, वो जिसको एप्लीकेबल है वो आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, जो भी डिटेल्स और वैकेंसीज नोटिफाइड जो स्टेनोग्राफर और PA की हैं, ये सब मैंने एनेक्स्चर 3 से ली हैं, और सीरियल नंबर दिया सबसे पहले मैंने आपको, फर्स्ट कॉलम में 74 है जैसे, उसके बाद पोस्ट है स्टेनोग्राफर लेवल 4, क्वालिफिकेशन हाई सेकेंडरी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी है कलकत्ता में, और जो नंबर ऑफ पोस्ट जो जिसके लिए रिजर्व्ड है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली पोस्ट जो है वो एक OBC के लिए है, एक UR के लिए, दो वैकेंसीज हैं। फिर सीरियल नंबर 86 पर देखिए, स्टेनोग्रेड 2 लेवल 4 हाई सेकेंडरी, ये कलकत्ता के लिए, दोनों कलकत्ता के लिए हैं, पहली भी कलकत्ता की थी और ये भी कलकत्ता की है। इसमें UR की एक वैकेंसी है, तो तीन वैकेंसीज टोटल हैं स्टेनोग्राफर की लेवल 4 में। एज है 18 to 27, बोथ आर एट कलकत्ता। उसके बाद देखिए पर्सनल असिस्टेंट की, सीरियल नंबर 48 पर पर्सनल असिस्टेंट लेवल 6 18 to 30, जैसा कि आप जानते हो और उसमें सी में भी ऐसा ही होता है 18 to 30, लेवल 6, ग्रेजुएशन एंड अबव लिखा है उसमें, और ये आसनसोल में है। इसमें एक UR की वैकेंसीज है। उसके बाद सीरियल नंबर 70 पे देखेंगे, पर्सनल असिस्टेंट लेवल 6 18 to 30, ग्रेजुएशन एंड अबव, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता, इसमें वैकेंसीज है SC1, ST2, OBC3, UR8, 14 वैकेंसीज हैं इसमें जियोलॉजिकल सर्वे कलकत्ता में। उसके बाद सीरियल नंबर 100 है जिसमें पर्सनल असिस्टेंट लेवल सेम, क्वालिफिकेशन सेम, ये है एर्नाकुलम में, एक वैकेंसी है UR की। तो इस हिसाब से टोटल मिला के, जैसे मैंने बताया आपको, तीन वैकेंसीज तो हैं स्टेनोग्राफर की और 16 वैकेंसीज हैं पर्सनल असिस्टेंट की लेवल 6 में। एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होती है SC ST OBC सब के लिए, डिटेल्स में दी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई में लिखा है, कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली एंड ऑल्सो पे फी फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट।
Then next is application must be submitted in online mode. Last date for submission is 13th June. फिर उन्होंने बोल्ड करके लिखा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकनेक्शन और इनएबिलिटी और फेलियर टू लॉग इन टू द एसएससी वेबसाइट ऑन अकाउंट ऑफ हैवी लोड ऑन द वेबसाइट ड्यूरिंग द क्लोजिंग डेज. दिस हैपन्स मोस्टली व्हेन वी डिपेंड ऑन द लास्ट मिनट. सो जिसको भी करना है पहले एक्शन लीजिए. नाउ लेट अस सी एप्लीकेशन फी. इट इज 100 rupees ओनली. जैसे आप जानते हैं SSC में 100 rupees ही होती है नॉर्मली. और इसमें 11.3 देखिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट. वीमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी. नेक्स्ट आप देख लीजिए, ऑनलाइन फी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट्स अप टू 15th June. विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था 20 जून से 24 जून तक है. लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इसमें उन्होंने चार्जेस लिखे हैं, वो नेक्स्ट पेज में है, वो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. बट देयर आर फर्स्ट करेक्शन के चार्जेस अलग है, सेकेंड करेक्शन के अलग चार्जेस हैं, वो आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा. सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है. द डिटेल्स ऑफ द 9 रीजनल ऑफिसेज ऑफ द कमीशन आर एज फॉलोज. जो लोग पहले अप्लाई करते हैं उनको पता होगा उनका कौन सा रीजन है, क्या क्या सेंटर वो दे सकते हैं. लेकिन आप इसको डिटेल्स जो पहली बार देख रहे हैं इसको प्रॉपरली पढ़ लें. नेक्स्ट है, कैंडिडेट हैज़ टू गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर्स इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी विद इन द सेम रीजन. उसके बाद है, कैंडिडेट्स में केयरफुली नोट दैट द रीजन फॉर CBE वंस ऑप्टेड इन द वेरी फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट शैल बी फ्रोजन फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट एप्लीकेशंस अक्रॉस रीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ पोस्ट. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, देयर विल बी 3 सेपरेट CBE कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द पोस्ट with minimum educational qualification of matriculation, high secondary and graduation and above levels. The details of subjects, marks and number of questions subject wise will be as given below. So number of questions jo honge aapke 100 honge total, maximum marks 200, total duration will be 60 minutes. There will be negative marking of 0.5 mark for each wrong answer. और सब्जेक्ट आप देख रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज. ये इन्होंने इस अपेंडिक्स में एनेक्स्चर दे रखे हैं, कौन कौन से एनेक्स्चर्स हैं और उसमें क्या क्या मटेरियल है. एनेक्स्चर 1 में आप देख रहे हैं PWD के लिए है, उस एनेक्स्चर 2 भी उनके लिए है. एनेक्स्चर 3 जो है डिटेल्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ पोस्ट के लिए है, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एनेक्स्चर 4 and 5 है, फिर एनेक्स्चर 6 है. लास्टली आप देखिए, दिस इज एनेक्स्चर 3 जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली पोस्ट के बारे में मेंशन किया है. इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं सीरियल नंबर है, उसके बाद रीजन, उसके बाद पोस्ट, पोस्ट नेम, डिपार्टमेंट, एज, पे स्केल, लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज. तो इसमें जो मैंने आपको दिखाया है उसमें सीरियल नंबर आप उस हिसाब से ढूंढेंगे तो आपको वहीं मिलेगा. इसीलिए मैं यहाँ से मैं एक समरी बना के आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दी है. और इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. जो लोग एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं टाइम पर अप्लाई कर दें. दैट्स ऑल. थैंक यू.